स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन मॉम रिव्यूज़ पर। आज हम बनाएंगे बीन्स की सब्ज़ी। तो यहाँ पर बीन्स ले लिया हमने और इसको अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद जो है काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। जितने छोटे काटेंगे उतनी टेस्टी बनेगी। और धो लेंगे अच्छे से फिर से दोबारा। तो टमाटर ले लिया है, लहसुन अदरक मिर्ची है, आलू प्याज। तो लहसुन अदरक मिर्ची को हम कूट लेंगे थोड़ा सा और कूट के डालेंगे। उससे कूट के डालने से क्या होता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो कढ़ाई गरम करने के लिए रख देंगे और इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, हेल्थ के लिए भी सरसों का तेल अच्छा होता है। और जब तेल गरम हो जाएगा तो प्याज डाल देंगे। और प्याज जब भुन जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, तब हम बाकी चीज़ें डालेंगे। तो इस तरह से हम प्याज को भून लेंगे, जब ब्राउन हो जाएगा तब हम थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे सारा। हल्दी पाउडर डाल देंगे, ये कश्मीरी मिर्च है लाल, और धनिया पाउडर है। ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको भूनने में देर नहीं लगती क्योंकि सूखे मसाले हैं, तेल में तुरंत भुन जाते हैं। और फिर जो हमने पेस्ट बनाया था, ये थोड़ा सा कूट दिया था दरदरा, लहसुन है, अदरक है, मिर्ची, वो भी डाल देंगे साथ में और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो बीन्स काटी थी, ये बीन्स और आलू दोनों मिक्स कर देंगे। बीन्स वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको हफ्ते में करीबन अगर 2-3 बार खा लिया जाए तो अच्छा ही है, 2-3 दिन। बाकी सब्जी तो रोज़ खाई नहीं जाती, ज़्यादा हैवी सब्जी, तो इस तरह से डेली यूज़ में तो यही सब सब्जियां बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो जब इस तरह से मिक्स करके हम इसको ढक देंगे। टमाटर बाद में डालेंगे, पकने के बाद जब थोड़ी सी आलू पक जाएगी तब डालेंगे। इस तरह से फिर से थोड़ा सा इसको चला देंगे, चेक करेंगे बीच में। और अभी पूरी तरह से नहीं पकी है, थोड़ी सी कसर बाकी है, लेकिन अब टमाटर हम डाल सकते हैं। तो टमाटर इसको बीच में जगह करके डालने से क्या होता है, उसकी स्टीम में आलू पक जाते हैं और टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। टमाटर अगर हम पहले डाल देते हैं, और देसी टमाटर खट्टे होते हैं, तो क्या होता है, आलू पकती नहीं है। तो इसलिए टमाटर को हम बाद में डालेंगे और ढक देंगे इस तरह से। और 1 मिनट के बाद ही देखिए इस तरह से जो है टमाटर पूरा गल गया है, देखिए एकदम मैश हो रहा है। तो इस तरह से खोल के थोड़ी देर और स्टीम में इसमें पका लेंगे। सब्जी पक गई है पूरी तरह से। और अब हम धनिया की पत्ती ऊपर से डाल के और इसको ढक के रख देंगे, गैस बंद कर देंगे। इसको स्टीम में पकने के लिए, अगर किसी भी खाने को हम 2 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के, तो उसका टेस्ट और जो थोड़ी कसर होती है वो सब पूरी हो जाती है। तो गैस बंद कर दिया और हमारी सब्ज़ी तैयार है, बीन्स की सब्ज़ी। एक बार ट्राई करिए इस तरह से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।